लखनऊ में एक रेलवे ठेकेदार ने ठेका न देने पर रिटायर रेलवे इंजीनियर को बंधक बनाकर लूट लिया। घर में ज्यादा पैसे न मिलने पर उसका नग्न वीडियो बनाकर 10 लाख की रंगदारी भी मांगी। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर रेलवे ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, विभूति खंड थाना क्षेत्र में वास्तु खंड में किराए के मकान में रहने वाले रामपाल सिंह रेलवे से रिटायर हैं। मूल रूप से उधम सिंह नगर काशीपुर निवासी रामपाल रिटायर होने के बाद R&C इंफ्रा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं। वहीं रामपाल के मुताबिक 8 अगस्त की रात कानपुर विठपुर निवासी अभिषेक घर आया। उसके पीछे से उसका चचेरा भाई गोलू और एक और साथी आया। इन लोगों ने चाकू दिखाकर बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं घर में सिर्फ 9,000 रुपए नकद और घड़ी मिलने पर ATM कार्ड और मोबाइल फोन के साथ घर में रखी कीमती जूते भी उठा ले गए। साथ ही चाकू से सारे कपड़े फाड़कर नग्न कर दिया और जिसके बाद मेरा वीडियो बनाया। जाते वक्त कहा कि यदि 10 लाख रुपए नहीं दिए तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। विभूति खंड इंस्पेक्टर डॉक्टर आशीष मिश्रा ने बताया कि रामपाल की अभिषेक से पुरानी जान पहचान थी। वह कानपुर में विठूर के अंडर पास बनवा रहे थे। अभिषेक पिछले हफ्ते उनसे रेलवे लाइन के दोहरीकरण का ठेका मांग रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद उनसे लूट की योजना बनाई। वही बुधवार रात साथियों के साथ पहुंचा और बिजली के तार से हाथ पैर बांध दिए और मुंह पे कपड़ा ठूस दिया। वही पुलिस ने अभिषेक और उसके चचेरे भाई गोलू और साथी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।